नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में आ चुका है और 6 चरण के मतदान के बाद अब शेष बचा 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण की 1 जून को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 67 सीटों पर 6 चरणों में वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद अब आखिरी और 7वें चरण में शेष 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया होने वाली है। जिन 13 सीटों पर 7वें चरण उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उनमें प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से अपनी खुद का राजनीतिक दल का गठन किया था, जिसके बाद उन्हें लेकर चर्चा थी कि वो उसका विलय बसपा में कर सकते हैं, लेकिन वो बात तो पूरी नहीं हुई। लेकिन अब वो अपनी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक करियर के 2 से भी ज्यादा दशक बसपा के साथ बिताए, लेकिन साल 2016 में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी बीजेपी सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां समाजवादी पार्टी में अपनी संलिप्तता दिखा दी थी और उसमें शामिल हो गए थे। लेकिन उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल होते ही बेहद ही विवादित बयान देने लगे, और खास तौर पर हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने तल्ख लहजे में उन्हें इन तरह के बयानों से दूरी रहने की भी हिदायत दी थी। लेकिन स्वामी उसके बाद भी नहीं माने और फिर उन्होंने सपा भी छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया। इसके बाद चर्चा यहीं तक रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में कर सकते हैं और ये आम चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले हो सकता है, लेकिन अब इस मामले को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। इस बीच यहां पर बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर लोकसभा सीट से समर्थन कर रही हैं। अब क्या वाकई में अखिलेश समर्थन कर रहे हैं, इस बात का खुलासा तो शायद जल्द हो पाएगा, लेकिन अब तक इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे SPN 9 न्यूज।